काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि परचेस वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से परचेस वाउचर के बारे में बता देते हैं। जब विक्रय के लिए माल या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कच्चे माल के रूप में कैश या क्रेडिट पर कोई माल खरीदा जाता है तो उस ट्रांजैक्शन को परचेस वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने टैली में कंपनी बनाना, लेजर्स बनाना, स्टॉक ग्रुप्स बनाना, स्टॉक आइटम्स बनाना और इनसे संबंधित जो भी जरूरी था वो बताया। साथ ही रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये भी बताया। इसके बाद अब हम व्यापार के सबसे मुख्य कार्य परचेस सेल और उसी के साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पर एक एक करके काम करने जा रहे हैं। इसके पहले रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर में हमने TR और CR का उपयोग करते हुए एंट्रीज की थी और जैसा कि हमने आपको बताया था ये तीनों वाउचर्स कैश और बैंक से संबंधित होते हैं। अब हम जिन चार वाउचर्स यानी परचेस वाउचर, सेल्स वाउचर, डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर पर काम करने जा रहे हैं ये चारों मुख्यतया माल यानी गुड्स से संबंधित हैं। टैली ने इन चारों वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए तीन मोड्स दिए हैं, वाउचर मोड, आइटम इनवॉइस मोड और अकाउंट इनवॉइस मोड। पहले हम इन तीनों को एक एक करके समझा देते हैं। यहाँ हमने टैली में वो कंपनी ओपन कर ली है जिसमें हम लगातार काम कर रहे थे। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए V प्रेस करें। अब यहाँ परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस करेंगे। देखिए ऐसा करते ही परचेज वाउचर क्रिएशन विंडो आ गई है। आगे बढ़ने से पहले हम F11 की सहायता से कुछ ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। इनवॉइसिंग हेडिंग के अंतर्गत इनेबल इनवॉइसिंग ऑप्शन दिख रहा है। यदि ये ऑप्शन नो होगा तो आप इनवॉइस मोड में काम नहीं कर पाएंगे। तो यदि ये नो हो तो इसे यस कर दें और विंडो को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ ये पहले से ही यस है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। हम एस्केप की से बाहर आ जाते हैं। देखिए राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में एज वाउचर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसके आगे उसकी शॉर्टकट की V और उसके नीचे दो अंडरलाइंस हैं। यानी वाउचर मोड के लिए कंट्रोल और V एक साथ प्रेस करना होगा। ऐसा करते ही जिस तरह से हमने पिछले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे उसी तरह की डेबिट क्रेडिट वाली विंडो आ गई है। यदि आप वाउचर मोड में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। प्रायः वाउचर मोड में ट्रांजैक्शंस तब रिकॉर्ड किए जाते हैं जब हमें इन्वेंट्री यानी स्टॉक आइटम्स का उपयोग नहीं करना होता है, जिसे हम आपको आगे की वीडियोस में समझाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में इनवॉइस और कैश मेमो के बारे में बताया था। जब भी हम अपने व्यापार के लिए कोई खरीद करते हैं तो जिससे माल खरीदते हैं उससे यानी सप्लायर से बिल लेते हैं जिसमें हमारा नाम पता होता है। उसी के साथ हमने क्या माल खरीदा उसकी डिटेल्स होती हैं और उस माल पर जो भी टैक्स जैसे GST आदि जो भी चार्ज किया गया हो उसकी भी डिटेल्स होती हैं। और इसी तरह प्रायः सभी बिल्स इनवॉइस फॉर्मेट में ही होते हैं। आप चाहें तो परचेस सेल्स के ट्रांजैक्शंस को वाउचर मोड यानी DR और CR वाले वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर वहां दो समस्याएं आएंगी। पहली, देखने और समझने में ज्यादा आसानी तब होती है जब हमारे पास सप्लायर्स के बिल जिस फॉर्मेट में आते हैं उसी में हम रिकॉर्ड करें यानी इनवॉइस मोड में ही रिकॉर्ड करें। दूसरी ये कि वाउचर मोड में GST जिसके बारे में हम आगे समझेंगे उसका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो पाता जबकि इनवॉइस मोड में ये अपने आप ही हो जाता है। अभी हमने जहां एज वाउचर देखा था अब वहां एज इनवॉइस लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। इनवॉइस मोड में जाने के लिए इस पर क्लिक करें या कंट्रोल और V प्रेस करें। ध्यान रखें वाउचर मोड से इनवॉइस मोड या इनवॉइस मोड से वाउचर मोड में जाने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल और V कीज। अभी हम आइटम इनवॉइस पर हैं।
देखिए यहाँ नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ है। यदि हम ऑल्टर और आई प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग इनवॉइस पर आ जाएंगे, जिसमें नेम ऑफ आइटम के स्थान पर पर्टिकुलर्स लिखा होगा। अकाउंटिंग इनवॉइस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें सिर्फ अकाउंट्स यानी लेजर्स का ही उपयोग किया जाता है। इस तरह के बिल में स्टॉक आइटम्स यानी इन्वेंट्री नहीं होती है। यदि आप कोई सर्विस के बिल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप इस तरह के अकाउंट इनवॉइस मोड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। हम जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं उसमें इन्वेंट्री है, इसलिए हम ऑल्टर और आई कीज को प्रेस करके आइटम इनवॉइस पर चलते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि आप ऑल्टर और आई कीज से आइटम इनवॉइस से अकाउंटिंग इनवॉइस, और यदि अकाउंटिंग इनवॉइस पर हैं तो आइटम इनवॉइस पर जा सकते हैं। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, हमने सुनील एंटरप्राइजेस के कैश मेमो नंबर 111 तारीख 1 जुलाई 2020 से सोनी टीवी 20 इंचेस वाले 10 नग 20,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से और सोनी टीवी 30 इंचेस वाले 10 नग 30,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदे, जिसका कुल बिल अमाउंट 5,00,000 रुपए है। सप्लायर ने हमें इसका जो कैश मेमो दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कैश मेमो के आधार पर हमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से पहले हमें बिल में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर चेक करनी चाहिए, जैसे बिल में ऊपर की ओर सप्लायर का नाम हो, नीचे हमारा नाम हो। कई बार कैश मेमो की स्थिति में हमारे नाम के स्थान पर सिर्फ कैश मेमो भी लिखा होता है। बिल नंबर होना जरूरी है, यदि बिल नंबर नहीं है मतलब वो बिल ही नहीं है। बिल पर बिल की तारीख होना जरूरी है, विशेष तौर पर ये चेक करें कि तारीख, माह और वर्ष सही लिखा हो। ये भी चेक करें कि बिल कैश का है या क्रेडिट का। यदि कैश का है तो कैश के बारे में बिल में कहीं लिखा होना जरूरी है। जो भी आइटम्स खरीदे गए हों उनके नाम स्पष्ट रूप से लिखे हों। हमने मोटे तौर पर सभी डिटेल्स चेक कर ली हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने परचेज वाउचर क्रिएशन विंडो आ रही है। सबसे पहले F2 प्रेस करके जिस तारीख में ट्रांजैक्शन हुआ है वो तारीख टाइप करें, उसके बाद एंटर प्रेस करें। सप्लायर इनवॉइस में सप्लायर के कैश मेमो का जो नंबर है वो टाइप करना है, एंटर प्रेस करें। यहाँ सप्लायर के कैश मेमो की तारीख टाइप करें, अब एंटर प्रेस करें। पार्टी अकाउंट नेम के आगे पार्टी का नाम सिलेक्ट करना होगा। यहाँ समझने की बात यह है कि यदि हम कोई माल खरीदते समय ही कैश या बैंक के चेक से पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में हमने कैश या बैंक जिस भी माध्यम से पेमेंट किया है वो अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। और यदि हमने ये माल किसी से उधार यानी क्रेडिट पर लिया है तो यहाँ जिस सप्लायर से उधार खरीदा है उसका अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। हमने ये माल कैश पेमेंट देकर खरीदा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हम कैश अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पार्टी डिटेल्स विंडो आ रही है, इसमें सप्लायर की डिटेल्स डालें। यहाँ सप्लायर की डिटेल्स डालना जरूरी है, क्योंकि भले ही हमने माल नकद खरीदा है पर किससे खरीदा है ये तो रिकॉर्ड में होना ही चाहिए। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ परचेज लेजर के आगे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करें, फिर एंटर प्रेस करें। हम नेम ऑफ आइटम्स में आ गए हैं। यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने स्टॉक आइटम नहीं बनाया हुआ हो तो ऑल्टर और सी प्रेस करके बना लें, और यदि बना हुआ है तो स्टॉक आइटम के नाम का पहला अक्षर टाइप करें, जैसे हमने सोनी टीवी 20 इंचेस के लिए टाइप किया S। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में हमारे द्वारा टाइप किए गए अक्षर से शुरू होने वाले सभी नाम हाईलाइट हो रहे हैं। इसमें से आप आइटम का नाम सेलेक्ट कर लें। ऐसा करते ही आप क्वांटिटी फील्ड में आ जाएंगे। यहाँ आपने जो स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया है वो जितनी क्वांटिटी में खरीदा है वो टाइप करें, फिर एंटर प्रेस करें। अब यहाँ पर उस आइटम का खरीद भाव टाइप करें। एंटर प्रेस करते ही देखिए अमाउंट फील्ड में स्टॉक आइटम का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। इसी तरह बिल में जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को सिलेक्ट करके उनकी डिटेल्स दे दें।
और अंत में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और नरेशन में आप इस खरीद से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। अभी हमने जो वाउचर बनाया, आइए उसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। उसके लिए पेज अप की प्रेस करें। देखिए, हमने जो वाउचर अभी सेव किया था वो दिखाई पड़ रहा है। अब आप यहाँ ऊपर हॉरिजॉन्टल बटन बार देख रहे हैं, इसमें पहला ऑप्शन है प्रिंट, उसके लिए ऑल्टर और पी प्रेस करें। यदि यहाँ विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा है तो ठीक है, और यदि ना लिखा हो तो ऑल्टर और आई प्रेस करें, फिर एंटर प्रेस करें। इस बिल को जूम करके देखने के लिए ऑल्टर और जेड प्रेस करें। देखिए, पूरा बिल अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास जो बिल आया था और अभी हमने जो आइटम इनवॉइस मोड में वाउचर बनाया है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी एक कारण था जिसके लिए हमने आइटम इनवॉइस मोड का उपयोग किया था। अब बाहर आने के लिए एस्केप की का उपयोग करें। ध्यान रखें, परचेज वाउचर में पार्टी अकाउंट नेम हमेशा ऊपर रहता है और इसमें यदि नगद देकर माल खरीदा है तो कैश अकाउंट, और यदि बैंक का चेक देकर माल खरीदा है तो बैंक अकाउंट, और यदि उधार यानी क्रेडिट पर माल लिया है तो माल देने वाले यानी सप्लायर का अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। और इसके बाद परचेज लेजर आता है जिसमें हमेशा परचेज से संबंधित जो भी लेजर होगा वो सिलेक्ट करना होता है। आइए अब दूसरा ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। हमने अशोक ट्रेडर्स के इनवॉइस नंबर 310 तारीख 2 जुलाई 2020 से सोनी टीवी 20 इंचेस वाले 5 नग 21,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से और सोनी टीवी 30 इंचेस वाले 5 नग 31,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीदे, जिसका कुल बिल अमाउंट 2,60,000 रुपए है। सप्लायर ने हमें इसका जो इनवॉइस यानी क्रेडिट मेमो दिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले वाले ट्रांजेक्शन में हमने जो 6 पॉइंट्स आपको बताए थे, पहले वो चेक कर लें। यहाँ पहले से ही परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले F2 प्रेस करके यहाँ वाउचर की तारीख डालें। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर में हम इनवॉइस देखकर उसका नंबर यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। यहाँ इनवॉइस की तारीख टाइप करें। अब पार्टी अकाउंट नेम में हमें कैश, बैंक या जिस सप्लायर से उधार माल खरीदा है उसका अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। हमने ये माल अशोक ट्रेडर्स से क्रेडिट में खरीदा है, इसलिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में से हम अशोक ट्रेडर्स का अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मान लीजिए अशोक ट्रेडर्स का लेजर सिलेक्ट करते ही हमें ये ध्यान आया कि हमने अशोक ट्रेडर्स का जो लेजर बनाया हुआ है वो सनबरी डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत बनाया है, जबकि ये हमारा सप्लायर है, हम इससे माल खरीद रहे हैं, तो इसका लेजर सनबरी क्रेडिटर्स में होना चाहिए। तो हम बैकस्पेस की से पार्टी के नाम पर जाएंगे और कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही लेजर ऑल्टरेशन विंडो आ जाएगी। यहाँ से हम इस लेजर में जो भी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। हम अंडर में सनबरी क्रेडिटर्स कर रहे हैं और इस विंडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ध्यान रखें, टैली में काम करते समय बीच में यदि आप किसी भी लेजर, ग्रुप, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप इत्यादि में कुछ ऑल्टरेशन करना चाहते हो तो वो कंट्रोल और एंटर प्रेस करके कर सकते हैं। विंडो को एक्सेप्ट करते ही हम पार्टी डिटेल्स पर आ गए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जिस सप्लायर का लेजर सिलेक्ट किया था उसका लेजर बनाते समय हमने जो डिटेल्स दी थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, यानी हमें कोई डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर परचेज लेजर के आगे परचेज अकाउंट सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करें। ये हम नेम ऑफ आइटम्स में आ गए हैं। अब यहाँ स्टॉक आइटम का नाम सिलेक्ट करना होगा, उसके लिए स्पेस बार प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही राइट साइड में लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स आ जाएगी, जिसमें स्टॉक आइटम के नाम के साथ ही वो आइटम अभी कितनी क्वांटिटी में स्टॉक में है ये भी लिखा होगा। लिस्ट में से आप आइटम का नाम सेलेक्ट कर लें।
नाम सिलेक्ट करते ही क्वांटिटी फील्ड में पहुंच जाएंगे। यहां पर जो भी स्टॉक आइटम सिलेक्ट किया है उसकी जितनी क्वांटिटी खरीदी है वो टाइप करें। एंटर प्रेस करते ही देखिए रेट फील्ड में अपने आप रेट आ रहे हैं। ये वो रेट हैं जो इससे पहले वाली परचेज में लिए थे। यदि ये ठीक हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें और यदि ये गलत हैं तो सही रेट टाइप करके आगे बढ़ें। देखिए अमाउंट फील्ड में स्टॉक आइटम का पूरा मूल्य आ गया है। एंटर प्रेस करके इसी तरह बिल में जितने भी स्टॉक आइटम्स आपने खरीदे हैं एक एक करके सभी को यहाँ सेलेक्ट कर लें। अंत में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट कर लें। नरेशन में आप इस खरीद से संबंधित जो भी डिटेल्स देना चाहें वो टाइप कर दें और फिर इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब एक और ट्रांजेक्शन फटाफट कुछ नया सीखते हुए रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने अशोक ट्रेडर्स के इनवॉइस नंबर 410 डेटेड 31 जुलाई 2020 से 30,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से 1 टन वाले 5 गोदरेज एसी 150,000 रुपए में उधार खरीदे। यहाँ पहले से ही परचेज वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ रही है। सबसे पहले F2 प्रेस करके जिस तारीख में ट्रांजैक्शन हुआ है वो तारीख टाइप करें। अब सप्लायर बिल नंबर डालें, सप्लायर्स बिल डेट डालें, पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पर डालना है। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब परचेज अकाउंट सिलेक्ट करें और नेम ऑफ आइटम डाल दें। यहाँ हम जो एक नई बात समझाना चाहते हैं वो ये कि हमने जो स्टॉक आइटम खरीदा है वो और उसका स्टॉक ग्रुप दोनों ही हमारी कंपनी में नहीं बने हुए हैं, तो यहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते वक्त ही उन्हें कैसे बना सकते हैं ये देखते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं नया स्टॉक आइटम बनाने के लिए Alt और C प्रेस करें, आइटम का नाम टाइप करें। अंडर में हमारे पास सिलेक्ट करने के लिए स्टॉक ग्रुप नहीं है तो उसे भी यहीं से बना सकते हैं और उसके लिए फिर से Alt और C प्रेस करेंगे। ग्रुप का नाम दें, अंडर में आप जिस भी ग्रुप या प्राइमरी में इस ग्रुप को बनाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और फिर एक एक करके दोनों विंडोज को एक्सेप्ट कर लें। क्वांटिटी डालें, रेट डालें। यदि बिल में एक से ज्यादा आइटम्स हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे, नरेशन डालें और अंत में इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। इस वीडियो में हमने परचेज वाउचर के बारे में बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेल्स वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं।